राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच टिकट नहीं मिलने से खफा बीजेपी के बड़े मुस्लिम चेहरे यूनुस खान ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही यूनुस खान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी घोषणा की है। पूर्व मंत्री यूनुस खान ने इस ऐलान के बाद डिडवाना में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। बताया जा रहा है कि यूनुस खान सीधे तौर पर चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यूनुस खान अपने बल पर मुस्लिम मतदाताओं को भाजपा से जोड़ने में कामयाब रहे हैं। पूर्व मंत्री यूनुस खान की टिकट कटने के बाद मुस्लिम मतदाताओं में भी रोष नजर आ रहा है। इसी क्रम में यूनुस खान द्वारा बुलाई गई जनसभा में डिडवाना विधानसभा सीट से कांग्रेस और भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी अपना त्याग पत्र पार्टी को सौंप कर यूनुस खान को समर्थन देने का ऐलान किया है। जहां भी वोट लगे कि टीटमा की जनता चुनाव लड़ रही है, यूनुस खान का कोई अस्तित्व नहीं। अगर आज हम इस बात की शपथ और संकल्प लेकर के जाने कि पहले मैं हाथ छोड़ता था, आपके पांव भी पकड़ता था, गलतियों की माफी भी मांगता था, दोस्तों समय कम है। हर मरने के बाद 20-25 दिन मिलते हैं, क्योंकि चुनाव आप मेरे माँ बाप की हैसियत से खुद लड़ते हो तो गाँव गाँव, पानी पानी, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली।